नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक पक्के पुल के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायवर्जन है इस साइड से। और यहां पर आप पीछे एक ट्रक देख सकते हैं जिसने इस गाड़ी को टक्कर मारी है। गाड़ी का नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, HR30N0020 हरियाणा की गाड़ी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी के पीछे जिस तरीके से टक्कर मारी गई है, गाड़ी का पिछला हिस्सा जो है डैमेज यहाँ पर हो चुका है। और टक्कर कहाँ से मारी गई है, इस ट्रक के द्वारा। और ट्रक को चला कौन रहा था, ट्रक को चला रहे थे ये जनाब जो इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, जिनके पास ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है ना कुछ है, और उनके पास इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। यहाँ पर जो कार को चला रहे थे, जो कार के ड्राइवर थे, जो कार को ड्राइव कर रहे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी फैमिली के साथ इस कार में जा रहे थे। और ट्रक का एक बार आप नंबर देख लीजिए, RJ32GC0651 इस ट्रक का नंबर है। ये ट्रक कहाँ से आ रहा था, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं दूसरी साइड, आप देख सकते हैं ट्रैफिक की जो है, ट्रैफिक जाम जो है लगता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आप आ रहे थे? सेक्टर 5 से मैं घर से आ रहा था, मेरे करनाल। हाँ जी, करनाल से ही। और आगे नीलकंठ स्टार का ओपनिंग है, तो मैं वहाँ पे जा रहा था विद फैमिली के साथ। मैं आराम से यहाँ से साइड में गाड़ी में जा रहा हूँ, ट्रक वाले ने साइड में मारी है, सारी गाड़ी में मार दी। और मैंने इससे पूछा लाइसेंस है, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। ये ड्राइवर, ये ड्राइविंग कर रहा था उस टाइम, इस पर लाइसेंस नहीं है, इस पर कुछ नहीं है, इसको चलाना नहीं पता। पता कौन मालिक ऐसा पागल है जो इस बंदे को गाड़ी दे रहा अपनी, मतलब आप सड़क पे हम घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, में मरने के लिए घूम रहे हैं इनसे। वो प्रशासन को इतना तो होना चाहिए कि भी ध्यान रखे। तो अभी आपने पुलिस को कॉल कर दिया? हाँ जी, अभी 900 नंबर पे फोन करा है मैंने, तो बातचीत हुई है? अभी बात नहीं हुई, मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ, उनको बुला रहा हूँ। पासी में थाना है, मैं अभी उन्हीं को फोन कर रहा था। देखिए पासी में थाना है, और एक बार इनसे भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, कहाँ से ट्रक लेकर आ रहे थे, क्या नाम है आपका? नाम पप्पू है। कहाँ से आ रहे थे? अम्बाला से। अम्बाला से। क्या है इस ट्रक में, क्या लोड है, क्या लेकर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुंबई जा रहे हो। मुंबई जा रहे हो इस वक्त, अम्बाला से आए हो? हाँ जी। तो कौन है मालिक, कौन है, लाइसेंस वगैरह कहाँ है आपका? लाइसेंस जीजा है मेरे साथ। जीजा है मेरे साथ। ये कौन है साथ में? जीजा है। जीजा है। लाइसेंस वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पे है ना सर? तो जो चला तो ये रहे थे, इनका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ना? आपका है ड्राइविंग लाइसेंस, कितने साल के हो? अभी तो चलाने लग गया मैं तो, अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है, कितने साल के हो? मैडम इसमें से साइड में लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो लोग जब तक पूरी परेशान हो रही है पीछे आपके यहाँ से। देखिए ट्रैफिक जाम की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया डायवर्जन है, नेशनल हाईवे है, सामने पक्के पुल है, और उसके अलावा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। जरा सा भी कुछ इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, जरा सा भी इस तरीके से कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति जो है बन जाती है। और यहाँ पर भी जाम की स्थिति बन चुकी है। आप सभी लोगों से अपील है, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देखिए नीलकंठ स्टार ढाबा जो है, जो नया है, वो खुलने वाला है आज और ओपन हो चुका है। लोहड़ी का दिन है, ये भी जनाब अपने करनाल के हैं, अपनी फैमिली के साथ देखिए घूमने जा रहे थे, लोहड़ी सेलिब्रेट करने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने से एक ट्रक आता है और वो मार देता है, पीछे से उसके ट्रक आ रहा है। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, जो ड्राइवर है वो उम्र से भी छोटा लग रहा है, और उसके पास कोई लाइसेंस तक भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। और देखिए गाड़ी में छोटा बच्चा भी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कोई बड़ा हादसा होता, कोई बड़ा हादसा होता, तो किस तरीके से किसी की जान को भी खतरा हो सकता था। अब इस ट्रक को साइड में लगवाया जा रहा है, कहा यही जा रहा है क्योंकि जो जाम है उसको खुलवाया जा सके, ताकि आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो आप सभी लोगों से अपील है, क्योंकि देखिए आज लोहड़ी है, त्योहार के दिन है, और ऐसे में अपनी गाड़ी को सेफ्टी के साथ चलाएं। और यहाँ पर इस तरीके से एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि देखिए रोड भी जो है डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जन है, और उसके साथ साथ पक्के पुल के, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, हम सामने खड़े हैं। और स्पीड में थी गाड़ी, स्पीड में चला रहे थे, काफी स्पीड क्या थी गाड़ी की? नहीं, गाड़ी की बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहे थे? नहीं, नहीं। क्या स्पीड में? आराम से चल रहा था मैं। आप बहुत आराम से चल रहे थे, तो वो स्पीड में चला रहे थे? नहीं मैडम, ये मोड़ था ना, ये मैं थोड़ा धीरे चल रहा था मैं। हाँ।
ये खड्डा है कि मैं धीरे चलता हूँ तो मेरे टेल भी थोड़ा कमजोर था। आगे से ध्यान से चलाओगे, लाइसेंस बनवाओगे? बनवाऊंगे नहीं, लाइसेंस बन रहा है। किसी तरह का नशा भी करते हो? किसी तरह का नशा भी करते हो? नहीं, लाल तो नहीं है। कहना यही है कि लाल तो आंखें वैसे ही रहती हैं, नशा नहीं किया हुआ। हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी और यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी इस तरीके से कुछ कहा था जिसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने, आपको ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं नशे के ऊपर। लेकिन आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए और उसके साथ साथ सेफ्टी के साथ निकले। चाहे आप दो पहिया वाहन पर निकले तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, हेलमेट के साथ जरूर निकले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पीछे से डैमेज यहाँ पर हो चुकी है। लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए ये फैमिली करनाल से निकली थी और नीलकंठ जो नया, जो नीलकंठ का नया ढाबा है, नीलकंठ का नया रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये लोग आज लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाले थे क्योंकि आज वो उसकी ओपनिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा हादसा होने से, हालांकि बच चुके हैं ये, लेकिन यहाँ पर हादसा जो है हो चुका है और गाड़ी इनकी डैमेज हो चुकी है। पुलिस को भी हालांकि मौके पर बुलाया है लेकिन पुलिस अब तक नहीं आ पाई है, 100 नंबर अभी तक नहीं लग पाया है। जिस तरीके से लगातार शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि 100 नंबर मिलता नहीं है, ठीक उसी तरीके से आज भी 100 नंबर मिला नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में एक बार इनसे जान लेते हैं, सर 100 नंबर मिला अभी तक? 100 नंबर 2 बार मिल गया है। उन्होंने एक बात बोली है कि भी अभी आपके पास 5 मिनट में पहुंच रहा है और अभी 15 मिनट हो गया, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। देखिए 15 मिनट तो हमें भी खड़े हुए हो चुके हैं, 15 मिनटों तक भी कोई पुलिस नहीं आई है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए और 15 मिनट तक कोई पुलिस ना आए, कोई एम्बुलेंस ना आए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गोल्डन पीरियड होता है वो निकल जाता है। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं महक शर्मा, अपने सहयोगी कौशिक के साथ पक्के पुल के पास की तस्वीरें हैं। पक्के पुल के बिल्कुल सामने इस वक्त हम खड़े हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।